इनका चालान काटो, एक का हेलमेट का है। गोली का मजे ले रहे सोनू भाई के, उसको चिढ़ा रहे हैं। हमने जीन माता का रास्ता जाता है और ये हाईवे सीधा सीकर चला जाता है। तो गाइस पार्किंग में लगाए गाड़ी और अब चलेंगे सीधा मंदिर की तरफ। तो गाइस ये है माता रानी के दरबार में इतना क्राउड। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी का जो मेन मंदिर है। बोले जीन माता की। भाई कैमरा वैमरा बंद नहीं होगा कैमरा वैमरा बंद। उधर अपने जो फौजी भाई है उनकी तोप जा रही है। तो गाइस वहाँ स्कॉर्पियो अटक गई है। तो भाई यार तू यार सस्ता नहीं दिला सकता क्या तू भाइयों से? ये देखो ऊँट कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे कैमिन लग रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जीन माता के आसपास के पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग आपको इससे उतर के जो जीन माता का जो वे है उस पर चढ़ेंगे। हमने जीन माता का रास्ता जाता है और ये हाईवे सीधा सीकर चला जाता है और इधर से हम लोग चलेंगे। सो अरुण और अजय वो भी बाइक पे हैं तो थोड़ा अपने से पीछे थे, सो वो आ जाएं फिर अपन चलते हैं साथ के साथ, क्योंकि अगर अपन चले जाएंगे तो वो रास्ता भूल जाएंगे, वो सीधे चले जाएंगे। तो इस चक्कर में थोड़ा वेट कर लेते हैं उनका। सो गाइस अपने बंदे गाड़ी से उतर गए। ये देखो एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है, दोपहर के 2:30 बजे और एक्सरसाइज कर रहे हैं महाराज और इधर बातें चीतें कर रहे हैं। तो पता नहीं कितनी देर में क्या आएंगे वो, तो अपने को वेट करना पड़ेगा उनका। उधर अपने जो फौजी भाई है उनकी तोप जा रही है और बाकी काफ़ी सारे ट्रक निकले फौजियों के। तो गाइस यार काफ़ी देर हो गई, अभी तक वो लोग आए नहीं, पता नहीं कितनी क्या देर लगाएंगे। तो देखते हैं आज कितनी क्या देर लगती है। अच्छा अच्छा गाइस गाइस आगे वो आगे। और ये बाइक कौन चला रहा है, इतनी धीरे गाड़ी चला रहा है, इतना टाइम लगा दिए। तो आ चुके हैं, इनका चालान काटो, एक का हेलमेट का है। तो गाइस ये प्रसाद वरसाद लेके आए। सो अब बस अपन निकलेंगे, तो चलो चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। तो चलो गोली का मजे ले रहे सोनू भाई के, उसको चिढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे से लेफ्ट ले लेना चलो। तो गाइस बाय, मिलते हैं आगे। तो गाइस अपने भाई लोग भी गाड़ी में बैठ रहे हैं और ये गाड़ी को भाभी ड्राइव करेगी नहीं है। चलो बैठते हैं गाड़ी में और अब मिलेंगे सीधे अपन जीन माता के। गाड़ी है जो हमने पार्क लगा दी है यहाँ, पूरी पूरी पार्किंग है यहाँ, गाड़ियाँ लगी हुई है देखो, ये पार्किंग है पूरी। अपने गाड़ी यहाँ पार्क लगा दी है, एक बार चेक कर लेते हैं शीशे भी से। अच्छा शीशे भी से सब चढ़ाए हुए हैं। सो चलो चलते हैं, ट्रैफिक लग गया है क्योंकि जो रास्ता है वो खेतों में से डिवाइड कर रखा है इन्होंने, तो ट्रैफिक लग गया। तो गाइस पार्किंग में लगाए गाड़ी और अब चलेंगे सीधा मंदिर की तरफ। गाइस ये है माता रानी के दरबार में इतना क्राउड और मेले की वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखो ये क्राउड है पूरा मेले की। दुकानें लग रही है इधर, दुकानें लग रही है और सामने वो माता रानी का गेट है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार के पास और ये शेरावाड़ी मैया की जो प्रतिमा है वो है, तो चलो बस चलते हैं अंदर। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी का जो मेन मंदिर है उसमें पहुंच चुके हैं, पीछे वो माता रानी का गेट है। तो चलो बस चलते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये यहाँ से रेलिंग स्टार्ट हो गई है, ये मंदिर तक ऐसे चलेगी। गाइस माता का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने आपको दिख रहा होगा एंड, वही माता का मंदिर है। और अभी जल्दी से पहुँच जाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं माता के, शेरावाली मैया के दर्शन करवाते हैं आपको आज। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इधर, तो निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो गाइस उधर भीड़ ज़्यादा थी इसलिए हम लोग इधर आ गए, इधर क्राउड कम है, तो जल्दी से पहुँच जाएंगे माता के दरबार में। और आज वैसे भीड़ ज़्यादा बहुत लगी रहेगी,
क्योंकि नवरात्र के लास्ट दिन है आज इस चक्कर में। तो गाइज ये जीण माता का प्रवेश द्वार आ गया है और यहाँ से लाइनें लगने स्टार्ट हो गई है। अब लाइन में लगना पड़ेगा अपने को। लाइन में लग के वहाँ मंदिर में जाना पड़ेगा, वो सामने मंदिर है और ये पूरा क्राउड माता का है, दर्शन पाने के लिए आ रहे हैं भक्तगण। तो भाई माता के दरबार में पहुँच चुके हैं। ये सामने दरबार है, ये सामने दरबार है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा अपन को। और ये भीड़ लगी हुई है पीछे तक, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ। ये देखो माता की, तो ये मंदिर है, ये मंदिर है पूरा। तो चलो अंदर चलते हैं। तो भाई फाइनली हम लोगों ने जीण माता के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं, क्योंकि हम लोग VIP लाइन चले गए थे, वरना तो हमें 1-1.5 घंटे दर्शन नहीं होता। तो 15 मिनट में दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। तो ये माता रानी का एग्जिट गेट है और यहाँ से हम चलेंगे हम नीचे के साइड। तो भाई ये माता रानी के मेले की दुकानें हैं, यहाँ छोटों से लेके बड़ों तक का सामान मिलता है। इधर भी दुकानें हैं और इधर भी दुकानें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ इन्जॉय करो, माता के दर्शन करो, बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं। और यहाँ देखो, ये देखो दुकानें लग रही हुई है, बच्चों के खिलौनों की, लेडीजों की भी शॉप है, मतलब सब कुछ मिलता है इनके पास। मैंने गाड़ी तो गाड़ी, ये बच्चा माच गया इधर, इसको गाड़ी चाहिए, देखो ये गाड़ी चाहिए इसको, ये इसको गाड़ी चाहिए। और ये अपने भैया को बोल रहा है मेरे को गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चीज को, अरे भाई दिला दे, गाना बाजे। अरे छोड़ ना उसको भाई, छोड़ उसको छोड़। ये देखो ऊँट कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे कैमिन लग रहे हैं, इनको सजा रखे हैं ये। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए माता के और अभी पार्किंग में आ गए। तो ये गाड़ी है अपनी और हम गाड़ी को पीछे बैग लेते हैं और बैठते हैं। तो गाइस वहाँ स्कॉर्पियो अटक गई है, क्योंकि कंजस्टेड रास्ता था और ये ट्रक वाले ने पता नहीं किधर को सार दिया, तो वो अटक गई है। तो अब ये जो ट्रैफिक खुलेगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे, हमने भी गाड़ी स्टार्ट कर ली है। गाइस ट्रैफिक खुलने वाला है क्योंकि ट्रक निकल गया और वो स्कॉर्पियो निकल गया यहाँ से, बस एक ट्रक की वजह से इतना ट्रैफिक लग गया, इधर भी पीछे गाड़ी लग गई और बस अब अपन भी निकलेंगे। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में अपन मिलेंगे या तो सालों से बालाजी को मिलेंगे या फिर खाटू श्याम से मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।